रेलगाड़ी के डिब्बे में एक महात्मा बैठे थे, पुराने जमाने की घटना। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन, कूपा में सामान रखा ऊपरी बर्थ पर, नीचे आराम से महात्मा बैठे। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहां एक सेठ जी चढ़े, उनके पास भी उतना ही सामान उन्होंने रखवाया, बैठ गए। गाड़ी चल दी, उन्होंने महात्मा को बैठे देखा, बस उपदेश शुरू। हम लोगों की आदत है, उपदेश का मौका मिलना चाहिए फिर हम चूकते नहीं। कहना शुरू किया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। साधुओं को फर्स्ट क्लास, इन्हें जरूरत क्या है? अरे बैठे कहीं एकांत भजन करें, फिर उतने ही सामान इनके पास, उतने ही हमारे पास, हम भी फर्स्ट क्लास में बैठे, ये भी फर्स्ट क्लास में बैठे, तो हम में साधुओं में अंतर क्या है? बिगड़ गए साथ साथ, फिर तो केवल कपड़ों का भेद है। महात्मा गंभीर थे, वैराग्यवान थे, शांति से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात बंद हुई तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज आज हमारी आंख खुल गई। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले कि उपदेश से तो आंख खुलती है। महात्मा जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं, मित्रता हो गई। अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई कि चलो थोड़ा नीचे घूम आवे, नीचे थोड़ा घूमे आवे। बोला साहब हमारा सामान रखा है। सेठ जी बोले हमारा सामान रखा। महात्मा बोले हमारा भी रखा है और उतना ही रखा है जितना तुम्हारा है। चलो गए प्लेटफार्म पर बैठे, इधर उधर की बातें हुई, जल पिया, एक बेंच पर बैठ गए, चर्चा होने लगी। इतने में गाड़ी के चलने का समय हुआ, गार्ड ने झंडी दिखाई, सीटी बजाई और जो गाड़ी चलने को ही सीढ़ी बोला महाराज गाड़ी जा रही, गाड़ी जा रही। महात्मा बोले स्टेशन है तो जाती रहती गाड़ियां, प्लेटफार्म जाने जाने बैठो आराम से। अरे महाराज हमारा सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, उतना ही रखा है। अरे नहीं नहीं महाराज। तो महात्मा बोले हम में तुम में भेद क्या? कपड़े का भेद है, सो कपड़ा हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, बस बैठो। अरे नहीं नहीं महाराज हमें छोड़ो। महात्मा बोले हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो अंतर बताओ। सेठ जी बोले अंतर समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या? बोले जितना सामान आपके पास है उतना हमारे पास भी है, लेकिन आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं और हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, बस यही अंतर है। तो वैराग्य की दशा ऐसी ही है। इसीलिए आपने सुना होगा हम लोगों के यहां कहा जाता है कि संत ने शरीर छोड़ दिया। संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, वे तो शरीर को छोड़े ही हुए हैं। हम लोग शरीर नहीं छोड़ते, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है।